ब्लॉक एक वेल नोन एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। हाय, वेलकम टू ईटेक वायरल। अगर आपने रियल ऐप डेवलपमेंट सीखनी है और अपने कोडिंग स्किल को ग्रो करना है बाय बिल्डिंग बेटर, फास्टर एंड स्केलेबल एप्स विद क्लीन आर्किटेक्चर, और जो एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं आपको उस पर फुल कॉन्फिडेंस हो, एंड फ्रीलांसिंग साइट्स में आपने एक गुड सर्विस प्रोवाइड करनी हो, सो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। लास्ट वीडियो में हमने फायरबेस रिमोट डेटा सोर्स इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे कुछ मेथड्स बनाए थे और इनमें हमने जो लॉजिक था उसको ऐड किया था। इस वीडियो में हम यहाँ पे इस ब्लॉक को डिजाइन करेंगे, जो हमारे पास क्यूबिट है, सॉरी, इसको हम डिजाइन करेंगे। क्यूबिट बेसिकली जो ब्लॉक लाइब्रेरी है उसका सबसेट है। तो सबसे पहले हम इस क्यूबिट और ब्लॉक को समझते हैं। ब्लॉक हमारे पास है बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट, एक बेस्ट स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, वो ये है कि इस वीडियो पे आपने 10 लाइक्स करने हैं। 10 लाइक्स के बाद आपको मिलेगी न्यू वीडियो। सो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को अभी। सो यहाँ पे जो ब्लॉक है, फ्लटर ब्लॉक, ये एक वेल नोन एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी है फ्लटर में स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए, और वन ऑफ बेस्ट लाइब्रेरी है, और मैं हर एप्लीकेशन में इसको यूज करता हूँ। ये सबसे फेवरेट लाइब्रेरी है मेरी स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। आप और भी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, बाकी भी स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है फ्लटर में। अब ब्लॉक में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्क किस तरह करती है, रिएक्ट वे में हमारे पास ये वर्क करती है। ब्लॉक हमारे पास किस तरह वर्क करती है, ब्लॉक में हम इवेंट को इनपुट करते हैं और ब्लॉक हमारे पास इसको प्रोसेस करती है और आउटपुट में हमें स्टेट मिलते हैं। अब स्टेट के अकॉर्डिंग हम यूआई को अपडेट करते हैं। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूं, सपोज करें स्क्रीन ए हमारे पास ऑथेंटिकेशन स्क्रीन है और राइट नाउ हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जैसे ही मैं अपने क्रेडेंशियल ऐड करता हूँ, ईमेल पासवर्ड, और मैं इवेंट को एंटर करता हूँ, मीट के मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास इवेंट ट्रिगर हुआ, वो इवेंट गया ब्लॉक ए में। ब्लॉक ए में हमारे पास जो भी लॉजिक हमने ऐड किया होगा वो प्रोसेस होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, और रिटर्न में हमें मिलेगा आउटपुट। अब वो आउटपुट हमारे पास या ऑथेंटिकेटेड स्टेट होगा या अनऑथेंटिकेटेड स्टेट होगा। अब अगर ऑथेंटिकेटेड स्टेट हुआ तो हम यूआई को अपडेट करेंगे और यूजर को लॉगिन करवाएंगे हम होम स्क्रीन पे। अगर हमारे पास ऑथेंटिकेटेड नहीं हुआ, अनऑथेंटिकेटेड हुआ, तो हम उसको लॉगिन स्क्रीन पे रहने देंगे और वहां पे उसको एक मैसेज शो करवाएंगे, वट एवर मैसेज जो हम उसको यूजर को शो करवाना चाह रहे हैं। ब्लॉक यूज करता है अंडर द हुड स्ट्रीम। अब जब मैं एक साइड से इवेंट को इनपुट करूंगा, दूसरे साइड से हम लिसन करेंगे स्टेट। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे जो ब्लॉक है इसका सबसेट, जो कि हमारे पास है क्यूबिट। क्यूबिट में हमारे पास क्या होता है, क्यूबिट में हम जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको रिड्यूस करते हैं। ब्लॉक में हम यहाँ पे इवेंट यूज कर रहे हैं और क्यूबिट में हम यूज करते हैं रेगुलर मेथड्स। सो हम यूज करेंगे क्यूबिट को क्योंकि हम लेस बॉयलर प्लेट कोड करें। क्यूबिट यूज कर रहे हैं अंडर द हुड स्ट्रीम। यहाँ पे हम यूआई में इवेंट, जैसे हम ब्लॉक में इवेंट ट्रिगर करते हैं, यहाँ पे हम जो नॉर्मल रेगुलर फंक्शन है उसको ट्रिगर करेंगे। क्यूबिट उसको प्रोसेस करेगा, रिक्वेस्ट जाएगा डेटा के ऊपर, और रिटर्न में हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स हमारे पास होगा स्टेट। सो उस स्टेट के अकॉर्डिंग हम यूआई को अपडेट करेंगे। सो चलते हैं आईडीई के ऊपर और इसका वर्क शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम दो क्यूबिट बनाएंगे। एक हमारे पास है आद क्यूबिट, जो कि हमारे ऑथेंटिकेशन को मैनेज करेगा कि यूजर हमारे पास ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, और एक हम बनाएंगे यहाँ पे क्रेडेंशियल। थ्योरी को समझने से बेहतर है कि हम रियल वर्क करें और रियल प्रोजेक्ट पे काम करें और रियल चीज बनाए, तो हम वो चीज ज्यादा क्लियर होती है। सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे इस क्यूबिट से। सो मैं यहाँ पे दो पैकेज बनाता हूँ, एक हमारे पास होगा ऑथ और एक हमारे पास होगा क्रेडेंशियल। सो मैं यहाँ पे दूसरा पैकेज बनाता हूँ और इसको नाम देते हैं क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल में हमारे पास यूजर साइन अप होगा, साइन इन होगा, फॉरगॉट पासवर्ड होगा, ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी, जितना भी वर्क किया हमारे पास आएगा इस क्रेडेंशियल क्यूबिट में। सो मैं यहाँ पे इसको पैकेज को नाम देता हूँ, इस फोल्डर को क्रेडेंशियल। यहाँ पे सबसे पहले हम इस ऑथ क्यूबिट को बनाते हैं। मैं यहाँ पे इस क्यूबिट को जनरेट करने के लिए, जो हमारे पास डिफॉल्ट कोड है उसको जनरेट करने के लिए मैं इसका प्लगइन यूज करूंगा। आप इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल में सेटिंग्स में आप जाएं और यहाँ से आप प्लगइन में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉक का जो पैकेज है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे इस ऑथ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम यूज करेंगे क्यूबिट क्लास,
सो मैं यहाँ पे इस क्यूबिट को नाम देता हूँ और यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्विटेबल वैल्यू इक्वालिटी के लिए। सो मैं यहाँ पे इस ऑथ को नाम देता हूँ ऑथ और यहाँ पे हम इसको इक्विटेबल को चेक कर देंगे और यहाँ पे कर देते हैं ओके। सो यहाँ पे हमारे पास दो फाइल जनरेट हुए, एक हमारे पास है ऑथ क्यूबिट और एक हमारे पास है ऑथ स्टेट। सबसे पहले हम इसके ऑथ स्टेट जनरेट करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं ऑथ क्यूबिट पे। सो यहाँ पे ऑथ स्टेट में हमारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको हमने एक्सटेंड किया है इक्विटेबल के साथ। इक्विटेबल हमारे पास क्या है, इक्विटेबल को हम यूज करते हैं वैल्यू इक्वालिटी के लिए। सो इसको हमने एक्सटेंड किया है ऑथ के साथ। जो इनिशियल स्टेट हमारे पास होगा ऑथ का, वो हमारे पास होगा ऑथ इनिशियल स्टेट। यहाँ पे हमारे पास दो और स्टेट होंगे, एक हमारे पास होगा ऑथेंटिकेटेड स्टेट और एक हमारे पास होगा अनऑथेंटिकेटेड स्टेट। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सबसे पहले ऑथेंटिकेटेड स्टेट। जब यूजर हमारे पास ऑथेंटिकेटेड होगा सो यहाँ पे होगा ऑथेंटिकेटेड स्टेट और एक यहाँ पे हमारे पास होगा अनऑथेंटिकेटेड स्टेट। ऑथेंटिकेटेड स्टेट में हम यहाँ पे एक पैराम ऐड करेंगे, ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पे ये हमारे पास होगा यूआईडी और इसको हम कर देंगे फाइनल और इसको हम इसके ऑथेंटिकेटेड स्टेट के कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे नेम पैरामीटर में। सो मैं यूआईडी को कन्वर्ट करता हूँ नेम पैरामीटर में और इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, हमें ये यूआईडी चाहिए जब हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं पास करता हूँ यूआईडी। इसके बाद हमारे पास है ये अनऑथेंटिकेटेड, सो मैं यहाँ पे स्टेट ऐड कर देता हूँ इसके साथ। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके। सो अब जाते हैं हम क्यूबिट में, ऑथ क्यूबिट में। यहाँ पे हमारे पास प्लेन डार्ट के क्लासेस में, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। सो हम जाते हैं यहाँ पे ऑथ क्यूबिट में। ऑथ क्यूबिट में हमारे पास एक क्लास है जो कि ऑथ क्यूबिट, जिसको हमने एक्सटेंड किया है क्यूबिट के साथ और इसके जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हमने पास किया है ऑथ स्टेट। सो यहाँ पे हमने इसके जो सुपर कंस्ट्रक्टर है ऑथ क्यूबिट का, इसमें हमने पास किया है इनिशियल स्टेट। जब हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हम जाएंगे इस इनिशियल स्टेट पे। सो यहाँ पे इस ऑथ क्यूबिट में हम कुछ क्लासेस जो हमने यूज केसेस बनाए थे वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे इनको कॉल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास यूज केसेस आएंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन यूज केसेस आएंगे, एक हमारे पास है इस साइन इन यूज केस। सो मैं यहाँ पे इसको एड करता हूँ इस साइन इन यूज केस। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूजर हमारे पास साइन इन है या नहीं। इसके बाद हमारे पास है फाइनल गेट करंट यूजर UID और यहाँ पे जब हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा तो हमें उसकी UID चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइनल साइन आउट यूज केस, साइन आउट यूज केस ओके। जब हम साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं इसका नेम ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड करते हैं दिस डॉट गेट क्रिएट करंट यूजर UID एंड साइन आउट यूज केस दिस डॉट इस साइन इन। सो यहाँ पे हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए। सो मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड करता हूँ कीवर्ड रिक्वायर्ड और यहाँ पे इसके साथ भी ऐड कर देते हैं और इस कोड को फॉर्मेट करते हैं कमांड ऑल शिफ्ट एल के साथ, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया ओके। सो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स होंगे, नॉट दो बट एक्चुअली हमारे पास तीन मेथड्स होंगे। एक हमारे पास एप स्टार्टेड मेथड होगा, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होगा तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे और हम चेक करेंगे यूजर हमारे पास पहले से ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। सो मैं यहाँ पे एक रेगुलर मेथड बनाता हूँ जो हमारे पास नॉर्मल मेथड्स होते हैं जो हम बनाते हैं। ये हमारे पास होगा फ्यूचर वॉइड, यहाँ पे इसको नाम देते हैं एप स्टार्टेड। जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे हम इसको कॉल करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। यहाँ पे हम ऐड करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक, हम यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सेप्शन है हम इसको हैंडल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास होगा सॉकेट एक्सेप्शन। सो अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं हुआ तो इस मीन के हमारे पास यूजर लॉगिन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इमिट करेंगे स्टेट इमिट, यहाँ पे हम यूजर को इमिट, यहाँ पे हम न्यू स्टेट करेंगे और यहाँ पे हम इमिट क्या करेंगे, हमारे पास होगा अनऑथेंटिकेटेड स्टेट। हम यहाँ पे यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं करवाएंगे ओके। सो यहाँ पे हमारे पास अनऑथेंटिकेटेड स्टेट आएगा। जब हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा और यूजर साइन इन करेगा तो अनऑथेंटिकेटेड होगा। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ सब इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इस साइन इन यूज केस को। सो मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ इस साइन इन और यहाँ पे हमारे पास मेथड है इसके अंदर जो हमने यहाँ पे एड किए इस साइन इन।
इसको हम कॉल करेंगे। इस मेथड को हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको कॉल मेथड के अंदर चेंज करता हूँ, ओके, सो ये मेथड हमने यहाँ पे इस साइन इन को ऐड नहीं करना होगा इस क्यूबिट के अंदर, बल्कि डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पेरेंथेसिस को। ये हमारे पास डायरेक्टली कॉल करेगा इस साइन इन मेथड को। सो ये हमारे पास ब्यूटी है इस कॉल मेथड की। ये जो हमारे पास कॉल मेथड है, इसकी ये ब्यूटी है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे पेरेंथेसिस ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस कोड को रीडेबल बनाने के लिए यहाँ पे कॉल करता हूँ इसको। अगर आपने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे हमने जो ऐड किया था साइन इन, उसको रहने रहते हैं, उसी को कॉल करते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे इस साइन इन को कॉल किया। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टेट को। सो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अवेट, और इसको हम असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल को। सो मैं यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल, और इसको नाम दे देते हैं इस साइन इन। सो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि हमारे पास यूजर साइन इन है या नहीं। सो मैं चेक करता हूँ एफ इज साइन इन, इज साइन इन। अगर हमारे पास यूजर इज साइन इन हुआ, तो इट्स मीन हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेटेड है। सो यहाँ पे हम इसकी यूजर यूआईडी जो है, जो यूजर की जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, उसकी यूआईडी को गेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ गेट करंट यूजर आईडी, और यहाँ पे हमारे पास है गेट करंट यूजर आईडी। सो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ। अगर आपने इस मेथड को चेंज करना है, तो आप इसको भी कॉल में चेंज कर सकते हैं, ये ज्यादा रीडेबल होगा। सो मैं यहाँ पे इसमें कॉल करता हूँ इस क्यूबिट में, यहाँ पे इस गेट करंट यूजर आईडी की जगह मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसको। ये हमारे पास ज्यादा रीडफुल है, ओके। सो मैं इसको चेंज किया इस मेथड को यहाँ पे इसके अंदर, इस साइन इन यूज के इसके अंदर यहाँ पे इस नाम को चेंज कर दिया मैंने, ओके। अगर आप उसको रहने देते हैं वही, तो वो भी बेहतर है हमारे पास। सो इसका कोई इशू नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे इसको असाइन करूंगा जब हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा। लेकिन असाइन कैसे करूंगा, इसके लिए हमें चाहिए एमिट, कि हम स्टेट को एमिट करें। सो मैं यहाँ पे एमिट करता हूँ ऑथेंटिकेटेड स्टेट को। यूजर हमारे पास ऑथेंटिकेटेड हो चुका है। सो यहाँ पे मैं पास करूंगा यू आई डी को, और ये यू आई डी हम एप्लीकेशन में यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली यू आई डी नहीं पास कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर है और यहाँ पे हमने नहीं लगाया अवेट कीवर्ड। सो अब यहाँ पे हमारे पास ये यू आई डी असाइन होगी, लेकिन अब भी हमारे पास ये यू आई डी असाइन नहीं हो रही। ये हमारे पास असाइन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसकी जो टाइप है वो हमारे पास है void। अगर मैं कॉल मेथड के अंदर जाऊँ यहाँ पे, तो इसका जो रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे एड किया है वो है void, जो कि ये void नहीं है। अगर हम करंट आई डी को देखें, गेट करंट यूजर की आई डी को देखें, तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो है स्ट्रिंग। सो हम इस करंट जो इसका रिटर्न टाइप है, इसको चेंज करते हैं करंट यूजर आई डी को। सो हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग, और अभी यहाँ पे जो एरर है हमारे पास ये खत्म हो जाएगा। जब यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा, तो हम उसकी यूआईडी को यूज करेंगे, यूजर का डिटेल गेट करेंगे, जो उसका इन्फो है, और अगर उसका प्रोफाइल को अपडेट करना हो, मैसेजेस गेट करने हो, या कुछ भी अपडेट करना हो एप्लीकेशन में, इस यूआईडी के अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। यूआईडी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे एस ऑथेंटिकेटेड स्टेट में, और इसको हम कंप्लीट एप्लीकेशन में यूज करेंगे। सो यहाँ पे एल्स में अगर हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं हुआ, ओके, सो हम यहाँ पे एमिट करेंगे। क्या एमिट करेंगे यहाँ पे हम, अनऑथेंटिकेटेड स्टेट को। सो यहाँ पे हम अनऑथेंटिकेटेड स्टेट को एमिट कर देंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम यूआई को चेंज करेंगे। एक मेथड हमारे पास यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे दो और मेथड्स हैं जिसको हम डिजाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे इस कोड को फॉर्मेट करता हूँ, ओके। सो ये हमारे पास कोड ज्यादा रीडेबल हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, और ये मेथड हमारे पास होगा फ्यूचर void। ये मेथड हमारे पास होगा लॉग आउट। सो मैं यहाँ पे इसको बना लॉग आउट, और यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस सिंक्रोनस में। यहाँ पे मैं इसमें कॉल करूंगा साइन आउट मेथड। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ट्राई कैच, क्योंकि हमारे पास कोई भी एरर नहीं आए। मैं यहाँ पे इस एक्सेप्शन को हैंडल करता हूँ, जो भी एक्सेप्शन हमारे पास आए, यहाँ पे मैं इसमें एमिट कर दूंगा अनऑथेंटिकेटेड स्टेट। अगर हमारे पास कोई एरर भी आए, यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड स्टेट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा अनऑथेंटिकेटेड स्टेट, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम होगा अनऑथेंटिकेटेड स्टेट, ओके। सो मैं यहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड स्टेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम कॉल करेंगे साइन आउट, और यहाँ पे हमारे पास है साइन आउट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कॉल में। सो मैं इसको यहाँ पे साइन आउट ही रहने देता हूँ। सो यहाँ पे दो मेथड्स हमारे पास हो चुके हैं डिजाइन। यहाँ पे हमारे पास थर्ड मेथड होगा लॉग इन। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो थर्ड मेथड है लॉग इन। इस साइन आउट की जगह यहाँ पे हम कॉल करेंगे गेट करंट यूजर की जो यूआईडी है इस यूज केस को, और इसको हम असाइन करेंगे एक पैराम के अंदर। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको नाम देते हैं यूआईडी, जब यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा, और इस यूआईडी को हम पास करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड स्टेट में। सो मैं यहाँ पे इस
मैं पास करता हूँ इसको UID को, सो यहाँ पे हमारे पास ये authenticated state में यूजर की UID जाएगी जब हमारे पास यूजर authenticated होगा, और इसको यहाँ पे कर देते await, सो यहाँ पे हमें इसकी यूजर की UID मिल जाएगी। सो हमारे पास auth qubit डिजाइन हो चुका है, हमारे पास इसके अकॉर्डिंग UI कैसे अपडेट करते हैं और सारा वर्क कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे credential qubit बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे सेम जो हमारे पास प्लगइन है जो इसका पैकेज है इसको यूज करता हूँ और इसको नाम देते हैं क्रेडेंशियल, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्विटेबल। सो मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ और ओके, यहाँ पे हमारे पास ये क्रेडेंशियल क्यूबिट बन चुका है। सो यहाँ पे इस क्रेडेंशियल क्यूबिट के अंदर हमारे पास कौन कौन से यूज केसेस आएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो यूज केसेस होंगे वो हमारे पास होंगे साइन अप, साइन इन, फॉरगॉट पासवर्ड यूज केस, गेट क्रिएट करंट यूजर यूज केस, और हमारे पास होगा गूगल साइन इन। सो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से बनाता हूँ इसमें। सो इस क्रेडेंशियल क्यूबिट के ऊपर आल्ट एंटर करते हैं और यहाँ पे एड फाइनल फील्ड फॉर्मल पैरामीटर, सो मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता हूँ। सो ये जितने भी पैरामीटर्स थे हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में एड हो चुके हैं, सो मैं यहाँ पे इस कोड को फॉर्मेट करता हूँ कमांड आल्ट शिफ्ट एल, और यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉर्मेट, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं नेम पैरामीटर में। सो मैं यहाँ पे इसको नेम पैरामीटर में कन्वर्ट करता हूँ और फिर से हम इस कोड को फॉर्मेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर हैं और इन एरर को फिक्स करने के लिए या तो मैं इसको नल बना दूँ यहाँ पे, लेकिन हमें ये नल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड। सो मैं यहाँ पे ये जितनी भी हमारे पास पैराम हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनको रिक्वायर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये हमें लाजमी यहाँ पे पास करने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 5 रेगुलर मेथड्स होंगे जो कि इन मेथड्स का लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ फ्यूचर वॉइड, ओके, और यहाँ पे हमारे पास होगा साइन सबमिट साइन इन, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कुछ पैराम, तो यहाँ पे मैं पास करूंगा यूजर एंटिटी यूजर, ओके, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नेम पैरामीटर में, और यहाँ पे मैं इसमें रिक्वायर्ड कर देता हूँ इसको, ये हम यहाँ पे लाजमी पास करेंगे, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। ओके, सो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करता हूँ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ओके, और यहाँ पे हम हैंडल कर देते हैं जो सॉकेट एक्सेप्शन है, नेटवर्क के एक्सेप्शन, उसको भी यहाँ पे हैंडल कर देते हैं सॉकेट एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम इसको कैच कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे ये मेथड हमारे पास होगा सॉकेट एक्सेप्शन, जो भी आएगा हम इस स्टेट को यहाँ पे इमिट करेंगे। लेकिन क्यूबिट में हम यहाँ पे वर्क करने से पहले हम जाते हैं स्टेट में, और यहाँ पे हम स्टेट बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास होगा इनिशियल स्टेट, इसके बाद हमारे पास होगा सक्सेस स्टेट, और हमारे पास होगा फेलियर, हमारे पास सक्सेस फेलियर भी हो सकते हैं, हमारे पास कोई ईमेल पासवर्ड गलत हो तो हम यहाँ पे फेलियर स्टेट में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास होगा एक जो लास्ट स्टेट है वो हमारे पास होगा लोडिंग स्टेट। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी फैंसी नहीं है, हमारे पास 10 डार्ट क्लासेस हैं और 3 स्टेट यहाँ पे हमने ऐड किए सक्सेस फेलियर लोडिंग। सो मैं यहाँ पे इस क्यूबिट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम इसमें इमिट करेंगे फेलियर स्टेट को। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें शायद कोई इशू है और इसको देखते हैं कि क्या इशू है। डेड कोड, ये हमारा कोड क्यों डेड हो चुका है, हम एक काम करते हैं इस कैच को नीचे मूव करवा लेते हैं। सो नाउ इट्स फाइन, ओके, सो यहाँ पे हम कॉल करेंगे जो सबमिट साइन इन यूज केस है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, ओके, सो साइन इन, सॉरी साइन अप नहीं बल्कि साइन इन यूज केस, और यहाँ पे हम करेंगे कॉल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है साइन इन, आप इसको चेंज कर सकते हैं कॉल में। सो मैं यहाँ पे इसमें पास करूंगा यूजर, इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं, ओके, सो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होगा सबमिट साइन अप, सो यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे सबमिट साइन अप को, सो यहाँ पे हमारे पास होगा साइन अप यूज केस, इस और यहाँ पे हमारे पास होगा साइन इन नहीं बल्कि साइन अप, और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मेथड होगा, ओके, इनको अवेट कर देते हैं, अवेट कीवर्ड यहाँ पे लगा देते हैं अवेट, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मेथड होगा गिट क्रिएट करंट यूजर, और यहाँ पे हम करेंगे गिट क्रिएट करंट यूजर, यहाँ पे हम पास कर देंगे इस यूजर को, आप इस जो लॉन्ग नेम है यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं कॉल में भी, ओके, सो ये आपके ऊपर, अगर आप इसने आपने इसको चेंज करना है तो। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड होगा, और ये मेथड हमारे पास होगा सबमिट गूगल साइन अप, सबमिट गूगल ऑथ या सबमिट गूगल साइन इन, सबमिट गूगल ऑथ, इसको ये नाम देते हैं सबमिट गूगल ऑथ, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे इस ऑथ को, यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ गूगल
अर्थ और यहाँ पे हम कर देते हैं गूगल अर्थ और यहाँ पे इसको को फॉर्मेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो हमारे पास है फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे जो हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड का यूज केस है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड यूज केस और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे इस फॉरगॉट पासवर्ड को। और यहाँ पे ईमेल चाहिए तो मैं यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एरर है सो यहाँ पे हमारे पास नल का एरर है तो मैं यहाँ पे असर्टिव ऑपरेटर लगा देता हूँ सो ये एरर हमारे पास खत्म हो जाएगा। दो क्यूबिट हमारे पास रेडी हो चुके हैं, एक ऑथ और एक क्रेडेंशियल, और अभी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक लास्ट चीज रिमेनिंग है जो कि हमारे पास है सर्विस लोकेटर। सर्विस लोकेटर बेसिकली हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।